हाँ, विशेष तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर से, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित रहे। कुछ घरों में जाकर के उन्होंने लोगों के साथ खुशियों के कुछ पल साझा किए। आज बहुत ही अहम दिन है भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि करीब 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उन्हें मिलेगी। और उड़ीसा की महिलाओं के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज सुभद्रा योजना के तौर पर एक नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और आपको पता है कि उड़ीसा में बीजेपी जब सत्ता में आई, उसमें इन महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और महिला कल्याण के लिए जो चुनावी वायदा किया गया था सुभद्रा योजना के तौर पर, अब प्रधानमंत्री इस विशेष कार्यक्रम के जरिए उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को वहाँ के स्थानीय लोग पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए पुष्पमालाओं से उनका चंदन करते हुए पट्टाभिषेक करते हुए और प्रधानमंत्री कुशलक्षेम पूछते हुए, आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी ये अपने उसी घर और घर की सुविधाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद उस आवास पर जाकर के वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका दौरा किया और उनके हालचाल को जाना है। प्रधानमंत्री का यही हल्का फुल्का अंदाज बहुत ही सहज बना देता है लोगों के साथ सहज तरीके से उनके घर में बैठ करके मिष्ठान ग्रहण करना हो, चाहे उनके पूजा घर में स्वयं जा करके अपनी हाजिरी लगानी हो। इस तरह के जो पल होते हैं वो आम सामान्य जन को प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हैं, और यही कनेक्ट उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बनाता है। आपको बताएं कि सीधे भुवनेश्वर पहुंचने के बाद वो इस पहले जिसे स्लम एरिया कहा जाता था, हालांकि अब वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए मकान बनाए गए हैं, लाभार्थियों को वो दिए जा चुके हैं और मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था है। इस आवास योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, साथ में उज्ज्वला के तहत रसोई गैस की उपलब्धता, ये सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ इन आवासों का निर्माण किया जाता है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण की भी शुरुआत की जाएगी और लाखों लोगों को आज उनके अपने आवास की चाबियां सौंपी जाएंगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी आज प्रधानमंत्री के साथ इन हल्के फुल्के पलों में साथ देते हुए नजर आए। और इन लाभार्थियों के लिए शायद उनके जीवन का सबसे सुनहरा क्षणों में से एक ये होगा जब वो स्वयं प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री ₹3800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। प्रदेश को प्रतीक्षा है उस सुभद्रा योजना की। सुभद्रा, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन के रूप में श्री मंदिर में विराजमान है, और माँ सुभद्रा के नाम पर ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है भाजपा के द्वारा, जिसमें जो पात्र महिलाएं हैं उनको 5 सालों में 50,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। 1 साल में 10,000 रुपये, 2 किश्तों में 5,000-5,000 रुपये की किश्त उनको सीधे तौर पर उनके खाते में DBT के जरिए पहुंचाए जाने की ये योजना है। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, और आंगनवाड़ी और जनसेवा केंद्रों के बाहर जो पात्र महिलाएं हैं उनकी सूची बनाने का काम चल रहा है। आधार और मोबाइल के लिंकिंग का जो कार्य है वो किया जा रहा है।
और भुवनेश्वर के जनता मैदान में इस योजना की लॉन्चिंग की बड़ी तैयारी की गई है। करीब 60 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है इस योजना के लिए, स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जब एनडीए सरकार के तीसरे चरण में नई सरकार ने अपना पहला कैबिनेट फैसला लिया, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 3 करोड़ नए घर बनाए जाने हैं, इसी योजना को मंजूरी दी गई। कल भी इसका जिक्र करते हुए रीइन्वेस्ट, जो आरी इन्वेस्ट 2024 गांधीनगर में सम्मेलन आयोजन किया गया था, उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे 4 करोड़ घर पहले बनाए जा चुके हैं, 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं, यानी कुल मिलाकर के 7 करोड़ परिवारों को छत देने का कार्य इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। इसके 2 चरण हैं, ग्रामीण और शहरी, और ये जो इलाका है भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर के साथ लगा हुआ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का हिस्सा है, जिसमें शहर में स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के तहत जो पात्र जनता है उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सब्सिडी के तौर पर करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे तौर पर फिर से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसके ज़रिए दी जाती है। और प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही अहम दिन उड़ीसा के लिए। पक्के मकान का वायदा, घर के सुरक्षा और सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ। निशांत राय हमारे साथ हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। और निशांत, आज भी जो 100 दिनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने जब 100 दिनों का लेखा जोखा पेश किया जनता के सामने, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने तक सभी को अपना घर मिल जाएगा। इस देश में ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसके पास अपना खुद का घर ना हो। ऐसे में आज उड़ीसा के लिए बड़ा दिन, जब कई सारी घोषणाओं का इंतजार है वहां के स्थानीय निवासियों को। देखिए, बिल्कुल, उड़ीसा के लिए आज बड़ा दिन है और बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे उड़ीसा विधानसभा चुनाव से पहले, उनको एक एक करके पार्टी क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। सबसे पहले मैं सुभद्रा योजना की बात करना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभद्रा योजना की पहली किस्त जारी कर देंगे जनता मैदान से। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी के भाव है वो नजर आने लगेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ा जो है बड़ा ऐलान करेंगे, उसकी भी 2.0 की पहली किस्त जारी कर देंगे, जिससे कि लाखों लोगों को फायदा होगा। ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे, चाहे लोकसभा के संकल्प पत्र में चाहे विधानसभा के संकल्प पत्र में, उनको एक एक करके पूरा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, अपने जन्मदिन के अवसर पर वो भुवनेश्वर आए हैं और यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आवास में गए थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक व्यक्ति को मिला। वहाँ उसके पूरे परिवार से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, पूजा की, और पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिष्ठान ग्रहण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के साथ उनकी बातचीत हुई। और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री एक छोटी बच्ची से लेकर तमाम लोगों से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। और एक कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के पीछे ये एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री आम लोगों में आम जैसा व्यवहार करते हैं और जिस तरीके के उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। निशांत, ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है राज्य में बीजेपी की सत्ता आने के बाद, और कई वर्षों के शासनकाल के बाद बीजेपी को मौका मिला, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में उड़ीसा वासियों के मन में प्रधानमंत्री को लेकर के, बीजेपी को लेकर के इस वक्त क्या कुछ आपको देखने सुनने को मिल रहा है?
देखिए अगर मैं बात करूं तो पिछले दो दिनों से मैं भुवनेश्वर हूं, यहां पर जिस भी महिला से मेरी बात हो रही है वो सभी खुश नजर आ रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या निम्न मध्य वर्गीय महिलाओं से बातचीत की जाए। उनका कहना है कि जो उनको वादे थे वो बीजेपी पूरा कर रही है। और सुभद्रा योजना आप समझ सकते हैं 5 साल में 50,000, 1 साल में 10,000। अगर किसी महिला को अपना अपना खुद का खर्चा देखना हो तो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होते हुए नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो बीजेपी ने वादे किए थे उन वादों को भी पूरा किया जा रहा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और यहाँ पर सरकार आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी काम किया गया है। कहीं ना कहीं इन सब तमाम चीजों का असर देखने को मिल रहा है। और आज सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम याद करेंगे पुराने दिनों को तो अपने जन्मदिन के दिन अपने माता जी से आशीर्वाद लेने जाते थे और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखलाती थी कि एक पुत्र और एक माँ के प्रेम झलकता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन भुवनेश्वर में हैं और करोड़ों महिलाओं के आप कह सकते हैं कि चेहरे पर खुशी का भाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभद्रा योजना की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। यानी कि जो मातृशक्ति के प्रति प्रधानमंत्री का हमेशा से प्रेम रहा है, जो महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने गति दी है, चाहे संसद में आरक्षण की बात की जाए संसद और विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें दिखलाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से आधी आबादी चाहती है कहीं ना कहीं आधी आबादी को भी उसका लाभ मिलता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा कुछ और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं भी हैं जिसकी घोषणा आज प्रधानमंत्री करेंगे निशांत, और साथ ही साथ उनके संबोधन में भी कुछ नई बातें भी हो सकती हैं हमेशा की तरह। देखिए बिल्कुल उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी नई घोषणाएं कर सकते हैं। रेलवे की कई सारी परियोजनाओं की घोषणा की बात कही जा रही है। इसके अलावा भी उड़ीसा के विकास के लिए कुछ नई घोषणा सुनने को मिल सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें याद करना होगा जब तीसरी बार लोकसभा में बीजेपी और एनडीए सरकार बनाने जा रही थी तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही जय जगन्नाथ शब्द के साथ करी थी। तो इसका सीधा मतलब यही था कि अब उड़ीसा भी बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चला है और उसका परिणाम आज हम उड़ीसा में विकास को देखते हुए देख रहे हैं। और निशान, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि तीसरे टर्म में उनके जो फैसलों की रफ्तार है वो 3 गुनी हो जाएगी और वो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में कई सारे अहम कदम लेंगे, उसमें मुझे याद आता है कि बजट में पूर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है जिसमें उड़ीसा एक अहम राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, उसको लेकर के भी शायद बड़ी उम्मीदें हैं राज्य को। देखिए बिल्कुल, उड़ीसा जैसे राज्य में लंबे समय से उड़ीसा ने गरीबी देखी है और कहीं ना कहीं विकास की जो रफ्तार बाकी भारत की रही है उड़ीसा की रफ्तार नहीं बन पाई है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उड़ीसा को मुख्य धारा में लाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड़ीसा की सरकार दोनों चिंतित नजर आ रहे हैं। उन चिंताओं का असर ये दिख रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन उड़ीसा में इस समय मौजूद हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बात करने के बाद भुवनेश्वर में ही जनता मैदान की तरफ निकले हैं, जहां पर वो उड़ीसा को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। इससे पहले जब वो उड़ीसा के दौरे पर थे उन्होंने कई सारी अहम घोषणाएं की थी, ये चुनाव से पहले की बात है, जिसमें करीब 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया था। ऐसे में क्या भुवनेश्वर सहित, जैसा कि आपको पता है कि जो भुवनेश्वर है वो देश का पहला स्मार्ट सिटी भी है, ज़मीन पर कुछ आपको बदलाव नज़र आ रहा है विकास के जो पूरी अवधारणा है उसको लेकर के? देखिए बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा के लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है और इस समय मैं उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बातचीत की थी और लोगों के चेहरे अपने आप में दिखला रहे हैं कि वो कितना खुश हैं कि देश के प्रधान सेवक अपने जन्मदिन के दिन इन लोगों के पास आए और इनसे जो है चर्चा की, इनके बारे में जाना और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं इन तक बड़ी मजबूती से पहुंचाई गई। निशांत बहुत धन्यवाद। बुनियादी ढांचे की जो परियोजनाएं हैं वो पहले भी उड़ीसा के लिए कई सारी बनाई गई और आज भी रेलवे और सड़क की कई परियोजनाओं का